एंडर गोलम एन डायमेंशन के ऐसे मॉब जो कि एक समय पे तीनों डायमेंशन के सबसे ज़्यादा खतरनाक मॉब हुआ करते थे। इनका मेन पर्पस हुआ करता था एंडरमैन्स को प्रोटेक्ट करना, मगर ये कैसे आए और अब ये कहाँ पे रहते हैं? क्या हो अगर मैं आपको बताऊँ कि ये एंडर गोलम नेचुरली स्पॉन नहीं हुए, इनको एंडरमैन ने बनाया खुद के प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि जो माइनक्राफ्ट प्लेयर्स होते हैं वो एंडरमैन को मार के उनकी एंडर पोल से आईओ पेंडर बना के एंड में चले जाते एंड उनकी डायमेंशन को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाते। इसीलिए एंडरमैन को खुद के लिए एक प्रोटेक्टर चाहिए था। तभी वो देखते हैं कि विलेजर्स के लिए एक प्रोटेक्टर होता है जो कि होता है आयरन गोलम। तभी वो सोचते हैं कि हम भी आयरन गोलम जैसा उससे भी ज़्यादा पावरफुल कुछ प्रोटेक्टर बनाएं। एंडरमैन आयरन गोलम जैसा एक प्रोटेक्टर बनाने के लिए ओवरवर्ल्ड से बहुत ही ज़्यादा मटेरियल्स कलेक्ट करते एंड जाइंट आयरन गोलम जैसा एक स्ट्रक्चर बनाते। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिलता है। तभी एक एंडरमैन एक बहुत ही जायंट स्ट्रक्चर बनाता है। तभी एकदम से ओवरवर्ल्ड हिलने लगता है, सारे एंडरमैन वहाँ से भाग जाते हैं, मगर वो एंडरमैन वही खड़ा हुआ देखता है कि मैंने जो बनाया उससे क्या बनता है। तभी एक एंडर गोलम बन जाता है। एंडरमैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उनको भी अब एक प्रोटेक्टर मिल चुका था जो कि उनको प्लेयर से बचाए रखेगा। अब वो एंडर गोलम को अपने एंड वर्ल्ड में लेके जाते और उसको दिखाते हैं कि वहाँ पे एंड सिटी लूटी हुई है जो कि प्लेयर्स ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। एंडरमैन एंडर गोलम को सारी स्टोरी बताता है कि वो ओवरवर्ल्ड में जाके प्लेयर्स से थोड़े सामान लेते थे, उनके घर के कुछ ब्लॉक लेते थे ताकि वो भी अपने लिए सिविलाइजेशन के लिए हाउस वगैरह बना पाए, मगर प्लेयर्स उनको नहीं समझते थे और वो एंड वर्ल्ड में आके उनको मार देते थे। वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से एंड वर्ल्ड में सेफ रह पा रहे थे। ये सुनते ही एंडर गोलम को पता चल गया था उसको क्या करना है। वो जल्दी से जल्दी ओवरवर्ल्ड में टीपी करता है और जितने भी एंड डायमेंशन से ब्लॉक लेके उन्होंने स्ट्रक्चर बनाए थे सारे को वो एंड डायमेंशन में टीपी कर देता है और विलेजर्स के हाउस के कुछ चंक्स भी ले लेते हैं। एंड वर्ल्ड में जाके वो सारे एंड सिटी को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। एंडरमैन देखते हैं कि उनकी एंड सिटी कितनी ग्रो हो चुकी है और कितनी पावरफुल बन चुकी है, वो भी एक अकेले एंडर गोलम की वजह से। एंडरमैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते और वो वापस ओवरवर्ल्ड में जाके बहुत ही ज़्यादा एंडर गोलम बनाना शुरू कर देते। उनकी वजह से ओवरवर्ल्ड से बहुत ही ज़्यादा चंक्स गायब हो रहे थे। विलेजर्स के फूड सोर्स भी गायब हो चुके थे। रातों रात विलेज से आयरन गोलम गायब हो जाते थे। पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होते जा रहा था और विलेजर्स को उनसे डर के छुपना पड़ रहा था। वहीं दूसरी ओर एंड सिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जा रही थी। सारी जगह पे एंड सिटी बन रही थी, पूरे एंड वर्ल्ड में एंड सिटी बनने जा रही थी। सारे एंडरमैन खुश हो रहे थे क्योंकि उनकी सिविलाइजेशन भी बढ़ रही थी और एंड के और स्ट्रॉन्ग होने से एंडर ड्रैगन की भी हेल्थ बढ़ते जा रही थी। और ये सब होते हुए एक डार्क एंटिटी देख रहा था। सारे एंडरमैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे सिवाय एक के। वो ओवरवर्ल्ड में जाता है और बहुत ही ज़्यादा एंडर गोलम स्पॉन कर देता है। वो एंड में सारे एंडर गोलम्स और एंडरमैन्स को इकट्ठा करता है और उनको बोलता है कि हम अब बहुत ही ज़्यादा ओवरपावर्ड हो चुके हैं, हमको पूरे वर्ल्ड में राज करना चाहिए। सारे एंडरमैन इनसे खुश नहीं थे। कुछ एंडरमैन्स को लगता था कि हम एंड में पीसफुली रह सकते थे और हमें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें किसी के ऊपर रूल करने की ज़रूरत है। पर वो एंडरमैन इस बात से सहमत नहीं था। वो एंडरमैन ओवरवर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा एंडर गोलम्स स्पॉन कर देता है। ओवरवर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा डिसअपियर होने लगता है। सारे विलेजेस गायब हो रहे थे और ओवरवर्ल्ड में बहुत ही बड़ी बड़ी केव्स बन रही थी, बहुत ही बड़े बड़े रिवीन बन रहे थे और बहुत ही ज़्यादा मॉब सीधे बेडरॉक के अंदर गिर रहे थे। वहीं दूसरी ओर पहला एंडर गोलम देखता है कि उसने अपनी एंड सिटी को कितना स्ट्रांग बना दिया है। तभी वो टेलीपोर्ट करता है ओवरवर्ल्ड में और ओवरवर्ल्ड की हालत देखता है। एंडर गोलम को उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, मगर वो उनका गलत फ़ायदा उठा रहे थे और सारे ओवरवर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। एंड वर्ल्ड का ग्रो होते हीरोब्राइन देख रहा था, वो देख रहा था कि उसका ओवरवर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो रहा है और एंड वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो रहा है। एक दिन एंडर में गोलम एंड वर्ल्ड में घूम रहा था, तभी वो सडनली देखता है कि एकदम से एंड वर्ल्ड में पहली बार बारिश होने लगती है। सारे एंडर गोलम मरने लगते, सारे एंडरमैन इधर उधर भाग रहे थे, जिनके पास घर था वो घर में जा रहे थे, बाकी वहीं बाहर घूम रहे थे और मर रहे थे और एंड वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होता जा रहा था। ये सब होते हुए हीरोब्रेन देख रहा था और वो बोलता है कि सून एंड वर्ल्ड नहीं बचेगा। एंडर गोलम ये सब होते हुए नहीं देख पा रहा था,
वो एक बहुत ही बड़ा चंक लेता है एंड वर्ल्ड से और एक शेल्टर की तरह बना देता है जिससे सारे एंडरमैन उसके नीचे रह के बच पाए। एंडर गोलम सोचता है कि वो अब अकेला बच गया, उसको क्या करना चाहिए। तभी वो सडनली ओवरवर्ल्ड में टेलीपोर्ट करता है और वहाँ पे जाता है और वहाँ पे देखता है कि ओवरवर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो रखा है। सडनली बहुत ही ज़्यादा लाइटनिंग गिरने लगती है और वहाँ पे एक फ्लैश लाइट स्पॉन हो जाती है, तभी एक वहाँ पे बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है। दूसरी तरफ एंड में बारिश बंद हो चुकी थी, एंडरमैन सब बाहर आने लगे थे और पूरा एंड डायमेंशन अपने पुराने लुक में वापस आ गया था, छोटी छोटी एंड सिटीज़ में। और तभी एंडर गोलम ओवरवर्ल्ड में टेलीपोर्ट करते और अपने एंडर गोलम को ढूंढने लगते और तभी वो देखते कि बहुत ही बड़ा खड्डा बना हुआ है। वो वहाँ पे जाते और वहाँ पे देखते हैं कि एंडर गोलम अब नहीं रहा, वहाँ पे उसकी स्टैचू बन चुकी है। एंडरमैन को पता चल गया था कि एंडर गोलम ने अब उसकी सर्विस पूरी कर दी है और अब वो नहीं रहा। और तभी सारा ओवरवर्ल्ड पहले जैसे बन जाता है, पूरा वर्ल्ड पहले जैसे ठीक हो जाता है और पहले जैसे चलता था वैसे ही चलने लगता है। तो गाइस कमेंट करके बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी, एंड या स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, एंड या सब्सक्राइब कर दे यार, सब्सक्राइबर बस माइनस हुए जा रहे, प्लस तो हो ही नहीं रहे। एंड या डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड के लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर देना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ऑसम सी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।